ऑफिसर को डिस्कस किया था जो हमारे स्पीकर होते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं चेयरमैन. अभी कौन होते हैं हम देखते हैं. जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और इलेक्शन जीत जाएंगे उसी दिन क्या होगा, वो जो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाते हैं. अब अगर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका ऑफिस वेकेंट है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, नेचुरल डेथ है, रिमूवल उनका रिमूवल हो चुका है, कुछ भी मीन्स एक वैकेंसी जनरेट हुई है, तो क्या होगा कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट. मीन्स कि वो सारे ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे जो प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं. तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो चेयरमैन की जो सीट होती है वो वेकेंट हो जाती है. मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि व्हेन द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की क्या है, वो सीट खाली हो गई है. और साथ ही साथ क्या होगा, जो चेयरमैन की सीट होती है राज्यसभा की वो भी वेकेंट हो जाती है. अब क्या है कि एक सेकेंड पॉइंट ये है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. अब क्या हुआ है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट हुआ है और उन्हें रिमूव कर दिया गया है तो क्या होगा, उसी टाइम जो चेयरमैन की जो सीट होती है वो भी क्या होती है, वेकेंट हो जाती है. क्योंकि मैंने बताया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. अब हम पावर एंड फंक्शंस को डिस्कस करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के. अब क्या है कि इनके जो पावर्स होते हैं ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं. जो स्पीकर और जो चेयरमैन होते हैं इनकी जो पावर होती है ऑलमोस्ट सेम होती है. जैसे स्पीकर और जो हमारे चेयरमैन हैं इनके क्या होते हैं, आप बोलिए, आप चुप हो जाइए, इनको बोलने का मौका दीजिए. तो क्या करते हैं, एक डेकोरम से मेंटेन करके रखते हैं हाउस में. तो इनकी जो पावर होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. लेकिन क्या होता है, जो स्पीकर होता है लोकसभा का उनकी कुछ स्पेशल पावर होती है जो इंजॉय करते हैं. अब वो देखते हैं वो कौन सी होती है. मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बिल आया है वो मनी बिल है या वो ऑर्डिनरी बिल है वो डिसाइड स्पीकर करते हैं. सेकेंड ये पॉइंट ये हुआ कि अगर कोई बिल नॉर्मल तरीके से पास नहीं हो रहा, मीन्स वो लोकसभा में गया और पास नहीं हुआ, राज्यसभा में गया वहाँ से पास नहीं हुआ, एक डेडलॉक की कंडीशन आ गई, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट होते हैं वो समन करते हैं जॉइंट मीटिंग के लिए. मीन्स वो लोकसभा के मेंबर्स को बुलाएंगे, राज्यसभा के मेंबर्स को बुलाएंगे और एक जॉइंट मीटिंग को समन करेंगे. अब इस जॉइंट मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, इसे प्रिसाइड करते हैं स्पीकर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीकर है वो दो पावर्स को, जो स्पेसिफिक पावर्स है उनको इंजॉय करते हैं. पहले कि वो डिसाइड करते हैं कि जो बिल आया है हाउस में वो नॉर्मल बिल है या वो एक मनी बिल है. और सेकंड क्या करते हैं, वो प्रिसाइड करते हैं एक जॉइंट मीटिंग को. अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा बट चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा. मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्पीकर होता है उनका इलेक्शन कैसे होता है कि जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो खुद ही क्या करते हैं, वो अपने लीडर को डिसाइड करते हैं. अब क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीकर होता है वो एक मेंबर नहीं होता है लोकसभा का, लेकिन जो हमारे जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के. क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा. मीन्स जब इलेक्शन हुआ तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होते हैं. ये डिफरेंस हुआ, जो स्पीकर है वो एक मेंबर होंगे लोकसभा के, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं मींस जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होते हैं. अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं. अब सेकंड पॉइंट में क्या है कि मैंने आपको बताया था स्पीकर को, जो मैंने आपको समझाया था स्पीकर के बारे में कि अगर स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट होता है तो क्या होता है कि वो नॉर्मल मेंबर की तरह अपनी सीट से उठकर आते हैं और वो लोकसभा के मेंबर्स की तरह बैठ जाते हैं. अब क्या है कि जब वो रिमूव नहीं हुए थे मीन्स वो स्पीकर थे तो क्या होता था कि वो अपना वोट जो होता फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं देते थे. जब एक टाई हो जाता था तो स्पीकर अपना वोट को कास्ट करते थे और एक बिल पास हो जाता था. लेकिन रिमूवल प्रोसेस में क्या होता है कि स्पीकर एक नॉर्मल मेंबर की लोकसभा के मेंबर की तरह बैठे होते हैं और इस टाइम पर क्या होता है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट करेंगे, ना कि जब एक टाई होता है. ठीक है, अब क्या है जब अगर हमारे जो राज्यसभा है उनके जो चेयरमैन होते हैं अगर उनका रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, मैंने बैकग्राउंड पे क्या लिखा है कि ही कैन बी प्रेजेंट एंड स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स
without voting, without voting, and speaker can vote in the first instance. में speaker जो है वो first instance में vote कर देते हैं अगर उनका removal process consider किया गया है. लेकिन जो vice president, जो sorry, जो हमारे ex officio chairman होते हैं राज्यसभा के, वो क्या होते हैं? वो first instance में भी vote नहीं करते. वो क्या है कि वो proceedings को देखेंगे, वो अपने point of view रखेंगे, लेकिन वो vote नहीं करेंगे. तो ये दो differences हुए कि जो राज्यसभा के जो हमारे chairman होते हैं वो मेंबर नहीं होते राज्यसभा के. और सेकेंड ये पॉइंट है कि अगर उनका रिमूवल प्रोसेस कंसिडर किया गया है तो क्या होता है, वो प्रोसीडिंग्स को देखते हैं, उनको अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन वो वोट नहीं करते. अब सैलरी एंड अलाउंसेस बाय द पार्लियामेंट मीन्स अगर हमारे स्पीकर हैं जो लोकसभा के या फिर हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के, उनकी सैलरी को कौन डिसाइड करता है? वो हमारी पार्लियामेंट करती है. When he acts as a president, he gets the salary of the president. Means अगर जो हमारे वाइस प्रेजिडेंट हैं वो प्रेजिडेंट की ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, उन्हें जो सैलरी मिलेगी वो प्रेजिडेंट की ही मिलेगी, ना कि वाइस प्रेजिडेंट की. और हमारी प्रेजिडेंट की सैलरी कितनी है? 5 लाख. मीन्स की विल इंजॉय की जो उनकी जॉय सैलरी ऑफ 5 लाख. द चेयरमैन रिजाइंस बाय राइटिंग टू द प्रेजिडेंट बट स्पीकर रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डिप्यूटी स्पीकर. अब स्पीकर क्या है, अगर स्पीकर रिजाइन करना चाहते हैं तो स्पीकर क्या करेंगे, अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? वो डेप्यूटी स्पीकर को देंगे. लेकिन इन केस ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो क्या करते हैं, वो अपना रिजिग्नेशन किसको देते हैं? वो अपना रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं. क्यों? मैंने आपको बताया है कि जो स्पीकर होता है ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा और वो अपना रिजिग्नेशन किसको देंगे? बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर. लेकिन जो चेयरमैन होते हैं वो मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. अब मैंने आज आपको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा उसके बारे में बताया, उनकी पावर और फंक्शंस के बारे में बताया, और कुछ जो डिसिमिलर चीज़ें हैं स्पीकर और चेयरमैन के बारे में कि अगर मनी बिल को डिसाइड करना या फिर ज्वाइंट मीटिंग को प्रिसाइड करना, तो स्पेशल पावर जो होती है स्पीकर इंजॉय करते हैं ना कि हमारे चेयरमैन इंजॉय करते हैं. तो और एक हाँ एक मेजर डिफरेंस क्या मैंने आपको बताया, एक रेजिग्नेशन वाला, कि अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे? वो डेप्यूटी स्पीकर को देंगे. लेकिन अगर चेयरमैन को रेजिग्नेशन लेटर अपना देना है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली इस पूरे टॉपिक को समझाया. लाइक शेयर.